नमस्कार दोस्तों, चैनल द ट्रुथ में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध और भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव, अब युद्धो चुनाव बन गया है। कुछ मंत्री कह रहे हैं 300 आतंकवादी मारे गए, भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं 250 मारे गए, महंत योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 400 मारे गए, एसएस अहलूवालिया कह रहे हैं एक भी नहीं मरा। पूरे देश में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि एक तरफ विश्व के अनेक मीडिया इस पूरे एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार इन सब बातों से बच रही है। मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, लेकिन देश हित में जबकि भारत सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, हमारी वायुसेना के जाबाज सैनिकों पर, एयरफोर्स पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो केंद्र सरकार को ये बात साफ करनी चाहिए। मैंने इतना भर कहा है, लेकिन सर एयर सुन लीजिए, मैंने हमेशा से आतंकवादियों का विरोध किया है। मैं अकेला व्यक्ति था अभी जिसने प्रधानमंत्री पाकिस्तान से ये कहा है कि आपको हफीज सईद और मसूद अजहर को तत्काल भारत को भेज देना चाहिए। मीडिया वो बताने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया को ये बात मेरी तरफ से कहने की अच्छी नहीं लगती है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री उनके मंत्रियों को ये नज़रअंदाज करते हैं। हमने ये प्रश्न पूछा था कि जब जैश ए मोहम्मद ने कह दिया था कि सुइसाइड बॉम्बिंग हो सकता है, 2500 CRPF के जवानों को बस से भेजने का क्या कारण था, एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, जहां हर 10-15 किलोमीटर पर चेकिंग होती है, वहां उस गाड़ी का जिसने ये घटना की, ये आतंकवादी घटना की, उसकी चेकिंग क्यों नहीं की गई, आखिर इसके सवालों का जवाब कौन देगा। मैंने तो उनके हित में ही बात कही थी। अच्छा सर, जो सुबह हादसा कैसा हो सकता है सर, डू यू थिंक दैट इट वाज परहैप्स अ रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड, दुर्घटना यूज करना गलत है। आतंकी हमले को और क्या कहिएगा, बताइए, आतंकी हमले को आप क्या कहिएगा, उसी बात का सर वो कह रहे हैं। देखो बात ऐसा, उसका उत्तर, क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर उनके पास है नहीं सर, लेकिन इसलिए शब्दों का फेर कर रहे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आज हमारे कुछ नेता दूसरी राजनीतिक पार्टियों के हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, यह बताइए कि एयरफोर्स के हमारे बहादुर जवानों ने जो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया था, कितने वहां पर आतंकवादी मारे गए। पहले भाई जो आज नहीं तो कल इस बात का खुलासा हो जाएगा कि कितने आतंकवादी मारे गए। या पाकिस्तान वालों का दिल जानता होगा, वहां के नेताओं का दिल जानता होगा कि भारत के एयरफोर्स के जवानों ने कितने आतंकवादियों का सफाया किया। हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा, विश्व धनोवा ने, हमारा काम हमला करना था, हमको जहां जानकारी प्राप्त हुई जहां आतंकवादियों का ठिकाना है और यहां पर बड़ी संख्या में आतंकवादी हैं, जब यह हमको इंटेलिजेंस के द्वारा पता चल गया, अन्य दूसरे सर्विलांस सिस्टम से पता चल गया, तो हमारा निशाना कभी चूक नहीं सकता है, चूक सकता है, जो निशाना था उसी निशाने पर हमने बम बना दिया। कितने मरे, कितने मरे, क्या हमारे एयरफोर्स के जवानों को मारने के बाद जाकर वहां पर गिनना चाहिए था, 1, 2, 3, 4, 5, यदि हमारे कांग्रेस के दोस्तों को लगता हो नंबर उन्हें बताया जाना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जाना चाहते हो पाकिस्तान तो जाकर गिन लो, पूछ लो वहां के लोगों से कि हमारे एयरफोर्स के जवानों ने कितने लोगों का सफाया, कितने मारे गए बताओ। अरे हमसे क्यों पूछते हो, एनपीआरओ सर्विलांस सिस्टम है भारत का माना जाना, एथेंटिक एनपीआरओ ने कहा है कि जब वहां पर
हमला हुआ इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने, पायलट ने वहां पर बम गिराए, उसके पहले वहां पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। अब कल्पना कर लो कितने मारे गए, ये नंबर हमको बताने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।